सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की मैथमेटिक्स की वर्कशीट डिस्कस कर रहे हैं नंबर है इसका 182 क्लास सेकंड की वर्कशीट है 2 मार्च 2021 की रिलेटेड लर्निंग आउटकम्स सॉल्व्स डेली लाइफ सिचुएशन बेस्ड ऑन सब्सट्रक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर्स स्टूडेंट्स नेम लिख लेंगे टीचर्स नेम लिख लेंगे टॉपिक है श्याम चाचा जी की दुकान रवीश जब भी श्याम चाचा की दुकान पर सामान लेने जाता उनको उंगलियों पर हिसाब करते देखकर हैरान हो जाता आज जब वह दुकान पर एक बिस्कुट का एक पैकेट लेने गया तो उसने पूछा चाचा जी आप अपनी उंगलियों पर इतनी जल्दी जल्दी हिसाब कैसे कर लेते हो चाचा जी ने रवीज से कहा उंगलियों पर गिनकर जैसे एक बिस्कुट का पैकेट पंद्रह रुपए का आता है और तुमने मुझे बीस रुपए दिए हैं तो मुझे तुम्हें कितने रुपए वापस देने होंगे ये मैं अपनी उंगलियों पर गिन लेता हूँ बीस रुपए में से पंद्रह रुपए कम करने या घटाने के लिए मैं पंद्रह के बाद बीस तक की गिनती उंगलियों पर गिन लेता हूँ जैसे बच्चों हम सोलह से अपनी गिनती गिनेंगे उंगली पर सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस तो कितने हो गए पाँच फिर उन्हें गिन लेंगे कितने हो गए पाँच तो चाचा जी रवीश को रुपये पाँच वापस देंगे यहाँ पर आप पांच लिख लेंगे ठीक है चाचा जी ने दोनों हाथों की सभी उंगलियों के हिस्सों पर एक से तीस तक की गिनती करते हुए कविता सुनाई तो देखिए बच्चों कैसे उंगलियों पर गिनते इसे एक गिन लेंगे इसे दो इस वाले को तीन ये तीन बने होते हैं ना पार्ट्स इसमें लकीर होती है तो इसमें क्या होता है इसे तीन वन टू थ्री गिन लेते हैं इसे चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ऐसे ही दूसरे हाथ पर ऐसे ही तीस तक गिनती हम उंगली पर कर सकते हैं तो उंगलियों पर गिनना है लाजवाब चुटकी में होता सारा हिसाब ना कोई खर्चा ना कोई फीस उंगलियाँ हैं दस पर गिनो पूरे तीस मतलब उंगलियाँ तो दस हैं लेकिन तीस इस पर गिने जा सकते हैं हर उंगली पर तीन तीन गिने जा सकते हैं। अब आप नीचे दी गई तालिका चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस तो यहाँ आठ आ गया मतलब जब आप बीस में से बारह घटाएंगे तो आठ बचेगा अब ये सब जितना रेड कलर से लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक कि हमने लिखा है ये हिसाब ये आपको लिखना है ठीक है देखिए बाईस से ग्यारह का ठीक है बिल्कुल सेम ऊपर की तरह लिखेंगे फिर ग्यारह के बाद क्या आता है बच्चों बारह बारह से बाईस तक हमने यहाँ गिनती लिख दी बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस अब हम इन्हें गिन लेंगे कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह हमने यहाँ ग्यारह लिख दिए मतलब 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 बचेगा ठीक है ऐसे 35 से 23 कम तो हमने 35 माइनस तेईस लिख दिया 35 में से 23 जाएंगे तो 12 बचेंगे हम इसे और कैसे देख सकते हैं तेईस के बाद चौबीस से आप लिखो चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस 33 चौंतीस पैंतीस पैंतीस तक लिख लो इन्हें गिन लो चौबीस एक पच्चीस दो छब्बीस तीन सत्ताईस चार ऐसे गिनते गिनते ये यहाँ तक कितने टोटल बारह तो हमने यहाँ बारह लिख दिया ऐसे ही पचास से अड़तीस अड़तीस कम तो हम ऐसे लिखेंगे अब उनतालीस से लिखना शुरू कर देंगे अड़तीस के बाद से और पचास तक लिख देंगे ठीक है अब या तो आप सीधे घटा लो पचास में से अड़तीस या आप इन्हें गिन लो छोटी क्लास में हो तो उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैंतालीस चौवालीस पैंतालीस चालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास कितने हो गए यह? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह आप यहाँ लिख दो ठीक है प्यारे बच्चों अब आप बारी बारी से अपने दोनों हाथों की छाप कागज़ पर लेकर ऊपर दिए गए चित्र की तरह हाथों की उंगलियों पर गिनती लिखिए पहले आपको क्या करना है अपना हाथ रखना एक कागज़ पर ठीक है और फिर उसके चारों तरफ आउटलाइन करते हैं जैसे ऐसे पेंसिल से कर देना आपके ये हाथ बन जाएगा बच्चों फिर ठीक है फिर उसमें ऐसे ऐसे ये लाइन डाल लेना जैसे एक उंगली है इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देना फिर यहाँ पर देखो ऐसा आपको दोनों हाथों पर ऐसे उंगली लिखनी है ठीक है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह दोनों हाथों पर ऐसे लिखनी है तीस तक गिनती हो जाएंगी ठीक है बच्चों अब आगे क्या करना है आपको आगे आपको करना है इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी गणित की अभ्यास पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 108, 109 को हल कीजिए आपकी जो गणित की बुक है वर्कबुक, उसमें पेज नंबर 108, 109, उसमें आपको क्या करना है उस पर जितने भी सवाल हैं आपके वो सब आपको हल करने हैं ठीक है, है? अभिभावकों के लिए सुझाव क्या इसमें बच्चों से हाथों की साफ सफाई के बारे में बात कीजिए ठीक है जैसे नियमित रूप से नाखून काटना खाने से पहले हाथ धोना उस खाने के बाद में हाथ धोना इत्यादि तो आप बच्चों को ये समझाइए उनसे बात कीजिए उनसे इस बारे में तो बच्चा आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग